देखिए, आप जानते हैं कि मैं तो संगठन का आदमी हूँ और ये हमारा प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी 2 दिन पहले निर्धारित नहीं हुआ है, बल्कि ये पूर्व घोषित कार्यक्रम हमारा है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने पहले हमारे जितने जिलाध्यक्ष थे, हमारे वहाँ पर जितने मुख्य प्रवक्ता थे जिले के, हमारे लोकसभा के प्रभारी थे, उन लोगों का 3 दिन का हम लोगों ने वो किया था प्रशिक्षण। उसके बाद 2 दिनों का प्रशिक्षण हमने किया था जितने हमारे विधानसभा के प्रभारी थे, और उसी कड़ी में आज ये प्रशिक्षण हमारा जो है पूरे जो हमारे प्रखंड हैं पूरे प्रदेश में, तो आधे प्रखंडों का आज है और फिर आधे प्रखंडों का 3 और 4 को। तो हमारा आज के जो विपक्षियों का जो आज आपने बताया कि जो उनका बंद का आह्वान है, उससे कुछ लेना देना, क्योंकि हमारा तो पूर्व घोषित कार्यक्रम है संगठन का और उसी के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और हमारे जितने साथी आज दिख रहे हैं सब प्रखंड के आए हुए हैं, सब लोगों को हम लोग अपनी पार्टी की विचारधारा, कार्यक्रम, आगे क्या रणनीति होनी है इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उनकी भी कुछ जिज्ञासाएँ होंगी उनको बताया जाएगा। और ख़ास करके चूँकि हमारे प्रखंड स्तर के साथी हैं, इनका वहाँ लोकल स्तर पर थाने से काम रहता है, लोगों का काम करवाना होता है, अंचल में काम रहता है, काम कराना रहता है, प्रखंड का काम रहता है, क्रम रहता है। इसके लिए आज हमने आज देख रहे हैं कि हमारे जो मंत्री हैं सुनील जी, उनको भी बुलाए हैं, पूर्व मंत्री हमारे नरेंद्र बाबू भी आए हुए हैं, कल सरवन जी भी आएंगे, तो हमारे जितने साथी उनको हम लोग सभी चीज़ों में प्रशिक्षित करेंगे जिससे कि जनता की सेवा वो और बेहतर ढंग से प्रखंड स्तर पर कर सकें। देखिए, विधानसभा के अंदर जो घटना घटती है तो उसके लिए विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उन तरह सक्षम हैं कार्रवाई करने के, लेकिन बता दें कि लोकतंत्र में हिंसा का स्थान नहीं, और वो तो लोकतंत्र का मंदिर है ना, वहाँ आपको जितना डिबेट कर, जितना अपना भाषण कर उसमें हिस्सा लेते हैं, वहाँ पर मसल पावर क्यों दिखाते हैं, लंग्स पावर का। ये शुरू से ही हमारी पार्टी का स्टैंड भी है कि हम लोग बहुत ही मर्यादित और संस्कारित व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं, क्योंकि हमारे जो नेता नीतीश बाबू उनकी पहचान ही सी बात, और इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन सब में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो हमारे नेता का संस्कार है हमारे कार्यकर्ताओं में आ जाए, जिससे कि जहाँ भी वो जाए तो उनको लगे कि जनता दल वर्ग का अधिकार है सरकार की किसी नीति का विरोध करने, उसमें बंद भी एक होता है, लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि भाई बंद तो करते हैं, लेकिन बंद में लोगों पर जबरदस्ती मत हो, बंद में हिंसा नहीं हो, बंद क्या होता है, बंद का मतलब होता है कि भाई आपने कॉल किया और जनता ने आपको सहयोग दिया, जनता अपने काम पर जाना चाह रही है, मजदूर अपने काम पर करना जाना चाह रहे हैं और आप उनको रोकते हैं, उनके साथ आप जबरदस्ती करते हैं, तो ये कहीं से भी लोकतंत्र में अच्छी चीज़ है। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।